बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बासित महमूद के बावर्ची खाना में खुशामदीद। दोस्तों, आज मैंने बनाया बहुत ही मज़ेदार सा वाइट मुर्ग पुलाव या चिकन वाइट पुलाव। इसको मैंने सर्व किया सलाद और रायते के साथ। बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल बाजार जैसा लुक और बाजार जैसा टेक्सचर और बाजार जैसा फ्लेवर है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये कैसे बनाया है, इसकी बहुत ही आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले एक पतीली में हम आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल लेंगे, कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं। इसके बाद ये कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे, जिसमें मेरे पास एक इंच का दालचीनी का टुकड़ा है, दो बादियान के फूल हैं और एक मेरे पास जवतरी की टहनी है, चार मेरे पास सब्ज इलायची है, एक चम्मच मेरे पास काला ज़ीरा है, दो तेज़पत्ते और इनके नीचे मेरे पास सात लौंग है। ये हम इसके अंदर डालेंगे और इन्हें हम कड़कड़ा लेंगे। और साथ ही साथ इसके अंदर हम शामिल करेंगे एक चम्मच मेरे पास ये सफ़ेद वाली मिर्च है साबुत, और एक चम्मच काली मिर्च है, ये डालेंगे इसके अंदर, चाय का चम्मच है। इन्हें हम तकरीबन दो मिनट के लिए फ्राई करेंगे, यानी कड़कड़ा लेंगे। और इसके बाद हम इसके अंदर हम शामिल करेंगे, मेरे पास दो अदद प्याज है जिसको मैंने बारीक काटा हुआ है, वो शामिल करेंगे और हल्का सा गुलाबी होने तक इसे हम फ्राई करेंगे। ब्राउन नहीं करना, गुलाबी ही रखना है। जी दोस्तों, प्याज का कलर चेंज हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। इसके अंदर हम 1.5 किलो मुर्गी हड्डी वाला गोश्त है, ये हम शामिल कर देंगे और इसे हम उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक हमारे चिकन का कलर ब्राउन ना हो जाए, अच्छे से हमारी चिकन भुन ना जाए। चिकन भुन गया है, अब हम इसके अंदर एक टमाटर शामिल करेंगे जिसे मैंने बारीक बारीक काटा हुआ है, ये शामिल करेंगे और तकरीबन एक मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें चार चम्मच सफ़ेद आम नमक है, एक चम्मच चिकन पाउडर है और मेरे पास दो लाल मिर्चें हैं बारीक कटी, दो हरी मिर्चें हैं बारीक कटी, ये शामिल कर देंगे। इन्हें भी हम मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए हम भूनेंगे अच्छे तरीके से, नमक इसके अंदर मिक्स हो जाए और चिकन का फ्लेवर निकल के आ जाए अच्छे तरीके से। जी दोस्तों, इसमें एक चम्मच अदरक, एक चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, मैं लास्ट में इसलिए डाल रहा हूँ। एक चम्मच इसके साथ हम साबुत धनिया डालेंगे, मैंने लास्ट में इसलिए डाले ताकि अदरक लहसुन की खुशबू आती रहे। अक्सर लोग क्या करते हैं, पहले डालते हैं, भून भून के उसकी खुशबू जल के ख़त्म हो जाती है। तो इसे हम उस वक्त तक भूनेंगे जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए, तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आग को तेज़ कर देंगे, इसमें 2 लीटर पानी यानी 8 ग्लास पानी डालेंगे और इसमें हम बॉयल आने का वेट करेंगे। उसके लिए हम इसको ढक के रख देते हैं और हम इसमें पानी में जोश आने का वेट करते हैं। जी दोस्तों, तो इसमें हम 1.5 किलो भीगे हुए, आधा घंटा भीगे हुए चावल डालेंगे और हम इन्हें पकने के लिए रख देंगे पहले 5 मिनट के लिए कवर करके दरमियानी आग पर। आग में स्लो कर देता हूँ, पहले हाई थी, अब मैंने स्लो कर दी, मीडियम कर दी बल्कि। जी दोस्तों, 5 मिनट हो गए हैं, अब हम चावलों को देख लेते हैं। माशाल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 6 आलू बुखारे, आधी गट्टी पुदीना और 1 मोटी वाली हरी मिर्च। ये इसमें खुशबू और फ्लेवर मज़ीद इन्हांस करेगी, क्योंकि ये वाइट पुलाव है इसलिए हम हरी मिर्च डालेंगे या काली मिर्च। और 1 चम्मच ताज़ा कुटी हुई काली मिर्च मैंने डाली, जो मैंने क्रश की, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स, तकरीबन 3 मिनट के लिए दोबारा हम इसको कवर करके रख देते हैं और मीडियम आग के ऊपर ही हम इसको पकाएंगे ताकि पानी जितना भी है वो जज्ब हो जाए। जी दोस्तों, तकरीबन 80% पानी जज्ब हो चुका हुआ है, बाकी 20% जो है हम इसको दम पे सुखा लेंगे। तो मिक्स करते हैं। माशाल्लाह, चावल का दाना है कि लंबा लंबा और खूबसूरत सा हो गया है। तो इसे कवर करके हम 10 मिनट के लिए दम पर रखेंगे, दम वाली आग कर लेंगे बिल्कुल स्लो। रुमाल ले लें कोई भी रोटी वाला और आप इसको कवर कर दें, बिल्कुल स्लो आग के ऊपर हम 10 मिनट के लिए इसे दम पे रख देंगे। जी दोस्तों, तो माशाल्लाह से हमारे चावल रेडी हैं। एहतियात से चमचा चलाते हैं, हम फैला लेंगे और बहुत प्यारी खुशबू, बहुत प्यारा टेक्सचर, माशाल्लाह से बहुत यम्मी सा। तो फ्रेंड्स, इसको मैं करता हूँ डिश आउट और फिर आपसे मिलते हैं। जी दोस्तों, तो ये देखिए, माशाल्लाह खिला खिला चावल, वाइट कलर का हमारा लंबा लंबा दाना, चिकन भी अच्छे से कुक हुआ हुआ और इसके साथ हम सर्व करेंगे सलाद और ये रायता। तो होप सो आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इजाज़त दे दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।